सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत अहम फैसले में संवैधानिक संशोधन कानून जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को का गठन करने के लिए बनाया गया था उसको रद्द कर दिया है, उसको गैर संवैधानिक करार दिया है और बोला है कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा डालेगा और बोला है कि अभी वो जो कोलिजियम सिस्टम है जिसमें कि जजों की ही सीनियर जजों की ही कमेटी जजों की नियुक्ति या चयन करती है वही अभी चलेगी। सरकार जो ये कानून लाई थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का कानून जिसमें कि अपॉइंटमेंट्स कमीशन में तीन सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज और एक कानून मंत्री और दो एमिनेंट पर्सन जिनका चयन सरकार और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर करते थे, सरकार लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस मिलकर करते थे, इस अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया है और बोला है कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा डालेगा और जो जो कि संविधान का की रीढ़ की हड्डी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो एक बहुत ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया।